यही बेटर है, पैसे भी बचेंगे। ओके हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले मैक्रो इनेबल्ड अगर कोई शीट हम खोलते हैं तो क्या होगा, ये मेरे पास तीन चार मैक्रो इनेबल्ड शीट्स हैं, है ना। इनमें से मैं ये वाली खोल रहा हूँ जो आज की क्लास का कंटेंट है, सेल रेफरेंसिंग, और इसमें दो चार मैक्रोज और है। मैक्रो मीन्स कोड या प्रोग्राम जो हमने बनाया, ठीक है। इसमें तो मैंने अभी कर दिया था इनेबल, इसलिए नहीं आया, दूसरी खोलता हूँ। सी, जो भी मैक्रो इनेबल्ड होगी इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। तो मतलब मैक्रो इनेबल्ड मतलब जिसके जिस शीट के अंदर हमारा मैक्रो बना होगा, तो उसमें सबसे पहले आएगा ये वार्निंग आएगी, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, इनेबल कंटेंट करना है, और ये जाके विंडोज की सेटिंग में हो जाएगा, करना है या नहीं करना, ये हमेशा यही रहना चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हें पता होगा किसी शीट में अगर मैक्रो है तो ये पूछ लेगा उसे इनेबल करना है, क्यों, वो मैक्रो की फॉर्म में वायरस हो सकता है। तो यही सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है रहनी चाहिए कि वो पूछेगी, ठीक है। क्यों? अगर किसी में मैक्रो है और तुम लोगों उसका मैक्रो चालू ही नहीं करना था तो क्या होगा, सीधा तुम्हारा सिस्टम में रन हो गया और सीन कर गया, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज़ ये होनी चाहिए। अरे कहाँ से एप्लीकेबल होगी ये दिखा देता हूँ। यहाँ फाइल में गए, फाइल में ऑप्शंस, फिर यहाँ पे देखिए इनेबल लाइक प्रीव्यू नहीं है, यहाँ पे है तुम्हारा चाइनो ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर में क्या होता है देखो, ये आपको माइक्रो सेटिंग्स आ गई, ठीक है। इसमें ये क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट ट्रांसमिशन, ये गलत। इसमें क्या होगा, जितने भी शो ही नहीं होगी, शो ही नहीं होगा, कोई मैक्रो है नहीं चलाएगा उसे, और तुम्हें बताएगा भी नहीं कि पूछेगा भी नहीं चलाना है या नहीं, और तुम्हें तो चलाना भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड वाला, मैक्रोज डिसेबल होंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन तुमसे पूछेगा चलाना है या नहीं, ठीक है, हमने यही किया हुआ अभी मैंने। थर्ड वन इज डिसेबल ऑल मैक्रोज एक्सेप्ट डिजिटली साइन, कुछ होते हैं जो डिजिटल सिग्नेचर एक होते हैं और शेयर के सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, ठीक है, उसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर डाला हो सिग्नेचर डाले होते हैं तो उसके थ्रू। अब ये तो तुम्हें पता नहीं है ना, जरूरी थोड़े वायरस बिना डिजिटल साइन वालों के भी आएंगे, डिजिटल साइन वालों के भी आ सकते हैं, इनेबल नो, तो इसलिए ये भी नहीं। और लास्ट में इनेबल और मैक्रो तो कभी नहीं करना, क्यों, वो तो किसी का भी आ सकता है ना, तो इसलिए सेकंड वाला रखो और ये बाय डिफॉल्ट होता ही है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ये तो लास्ट क्लास में किया था हमने, है ना, नॉर्मल रिकॉर्डिंग है ना। हाँ, एक क्वेश्चन था ना, स्टेप इनटू पूछा था ना, सी दिखा ऑल्ट एफ8, इसमें ये स्टेप इनटू रन के नीचे वाला पूछा था, ये क्या होता है जब तुम मैक्रो यूज करते हो एफ8 करते हो, ये भैया मतलब जो भी तुम्हारा मैक्रो सिलेक्टेड होगा स्टेप बाय स्टेप चलाना है तो दैट इज स्टेप टू, ठीक है। जैसे एफ8 में करते हो ना तो कोड लिखने के बाद वही है, ये वही है, ठीक है, डिलीट एडिट सब कुछ पता ही है बाकी तो। ओके, अब हम आ गए यहाँ पे अपने सेल रेफरेंस में मैक्रो वाली विंडो खोलने के लिए, ऑल्ट परफेक्ट खुल गई, ये मैंने हाफ की हुई है, जनरली कैसे खुलेगी बाय डिफॉल्ट ये खुलेगी, तो इसे हाफ करने के लिए विंडो बटन दबाओ और राइट एरो, राइट में करना है तो राइट एरो, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट एरो, तो विंडो के साथ, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये चूज करना है कौन सी वाली शीट खोलनी है ना, जो है वही रहने देते हैं, तो उसमें ऑल टैब खोल के एंटर मार दो, ये वो भी जो होते हैं सिर्फ ऑल टैब करो, ठीक है, आगे वही वाली मैक्सिमाइज। अब हमारे पास क्या हुआ, ऑल्ट F11 से मैंने इसमें कुछ मैक्रोज ऑलरेडी और मैक्रो या कोड्स तो बोल सकते हैं ना ऑलरेडी बनाए हुए, हाँ नहीं ये आज के हैं, आज की क्लास के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल, अब देखो मेरे पास दो शीट खुली है तो दोनों के मैक्रोज की लिस्ट आ रही है ना, मेरे पास एक शीट खुली है सोहन नाम वाली लास्ट क्लास वाली,
तो उसमें हमने जो मैक्रोज बनाए थे उसके लिए यहाँ पे लिस्ट, ये मॉड्यूल वन बनाया था, इस पे जाना हो तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो आज की शीट है वो ये है, इसके प्रोग्राम्स कहाँ आ रहे हैं, ये नीचे, और तुम्हें पता कैसे चलेगा शीट के नाम से, ठीक है। अभी एक्टिवेटेड कौन सा है यहाँ पे पता चलेगा, कौन सी शीट वाला है, सोहन वाली शीट का, ठीक है। किसी और का इसका एक्टिवेट करना है मॉड्यूल्स में, इसमें तीन चार मॉड्यूल्स हैं सबके, मैंने एक्चुअली मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू पे क्या थे मैं नाम डाले हुए बताऊंगा कैसे डालते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं सोहन वाली शीट को कर देते हैं बंद, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। किससे बन गया ना, कंट्रोल डब्ल्यू से, ताकि दूसरी वाली एक्शन शीट पूरा प्रोग्राम नहीं बंद होना चाहिए, सिर्फ मेरी एक वर्कबुक जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए, हाँ कंट्रोल डब्ल्यू, हाँ ठीक है। और पूरा प्रोग्राम बंद करना तो ऑल्ट एफ4 ही, ठीक है ओके। यहाँ पे हम शीट वन पे काम कर रहे हैं, अब इसमें मेरे पास तीन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सेल रेफरेंस सीखेंगे। अब देखो क्या होता है सब, ये प्रॉपर्टीज विंडो है, मैं लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज विंडो बताई थी है ना, लेकिन उसमें मैंने नाम वगैरह कुछ भी डालना नहीं बताया था। यहाँ पे देखो शीट है, शीट के मल्टीपल नेम्स है, एक ये वाला नाम है यहाँ पे है ना, और एक यहाँ पे है ना, उल्टा ये भी चीज़ें क्या है, इन नाम से भी हम जब शीट्स पे काम करते हैं ना तो इनका रेफरेंस देते हैं। अब या तो इस नाम से दे सकते हो, इस वाले नाम से, या इस वाले नाम से। अब ये जो नाम है, ये वाला जो नेम है यहाँ पे, ये वाला जो नेम है सबसे पहले वाला, उसमें क्या है, ये जो फर्स्ट वाला नेम है ये क्या बात है, ये तुम्हारा ये वाला नाम है, ठीक है। और ये वाला जो नेम है ये तुम्हें यहाँ शीट में नहीं दिखेगा, तो VBA कोडिंग में जब ये वाला नाम यूज करोगे, ठीक है, इनकेस तुम लोग इसे चेंज कर देते हो तो VBA कोडिंग में ये नाम जब यूज करोगे तो ये होगा तुम्हारे पास यूनिक हो जाएगा। अब क्या होगा शीट, ये वाला जो नाम होगा वो और भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है, तो उसके थ्रू तुम लोग इसे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, जबकि ये वाला बेटर होता है, तो उससे भी बेटर है अगर तुम्हें पता है कि नहीं है तो तुम जनरलाइज वैसे भी यूज कर सकते हो ऊपर वाले नाम से, ठीक है, या इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हो। इंडेक्स नंबर मतलब शीट का इंडेक्स नंबर होता है, जैसे अभी यहाँ शीट 2, 3 इस तरह से आ गई ना, अब तुम्हारा ये है, ये फर्स्ट है, तो इंडेक्स नंबर इसका हो गया 1, शीट 2 नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे शीट है तो इंडेक्स नंबर कितना हुआ, अब ये शीट 5 का इंडेक्स नंबर फिलहाल कितना है 5, क्यों, पांचवें नंबर पे है वो, इससे नहीं कि वो उसका 5 है नाम। अभी शीट 5 का इंडेक्स नंबर क्या है 2 हो गया, 2, ठीक है, इंडेक्स नंबर से काम करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फाइल आगे पीछे होगी तो सीन हो गया, है ना, तो इसलिए नाम के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज वाला जो दूसरा नाम है वो यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन सा वाला, ये नीचे जो नाम है ये वाला, ठीक है। अभी हमारे पास शीट 5 एक्टिव है तो शीट 5 का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और हमने कोई और नाम नहीं रखा है इसलिए। और अब मॉड्यूल पे हम नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्या था यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नाम था मेरे पास, यहाँ मॉड्यूल 1 and 2 and 3 इस तरह से था, ठीक है। ये मेरे पास शायद थर्ड वाला मॉड्यूल था, फर्स्ट वाला क्या है सेल रेफरेंसिंग का, जब मैं कोडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तो मैंने इसका नाम उठा लिया, क्लियर है नाम, इसके मॉड्यूल के नाम में भी वही बात है जो तुम लोग उसमें यूज करते हो, किसमें, अपने सब प्रोसीजर में, कोड में, कोड का नाम रखते हो जो मैक्रो का भी, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, नंबर्स अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, हाँ जो डिफॉल्ट जो बिल्कुल एग्जैक्टली, क्यों, अभी ये देखो यार मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाई वाटर नाम डाला हुआ है ना, स्पेस को नहीं डाला था नाम में मॉड्यूल के नाम में, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि अलाउड नहीं है, क्लियर है। फिलहाल हम किस पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं डाला ना सेल रेफरेंसिंग, मैंने अंडरस्कोर यूज किया है, सेल स्पेस अंडरस्कोर रेफरेंसिंग डाल सकता था बट वो लेगा ही नहीं, ठीक है, अलाउड नहीं, ठीक है ओके। अब सेल रेफरेंसिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना, अब मुझे एक्टिवेट करने है सेल रेफरेंसिंग वाला मैक्रो, तो क्या करेंगे डबल क्लिक। अब देखो सेल रेफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ एक और नया मैक्रो इंसर्ट कर लेता हूँ, कैसे करेंगे, एक्टिवेटेड है
ऑल्ट के साथ आई जाके एन कर सकते हैं, करो और दबाओ, ऑल्ट दबा दिया, अब आई दबाओ, मॉड्यूल के लिए क्या रहे खुल गया ना मॉड्यूल, है ना। अब मुझे क्या देना है, देखो अब दो चीजें होती है, एक तो एक्टिव सेल और एक हम सेल का एड्रेस है। एक्टिव सेल मतलब जिस सेल में अभी मेरा कर्सर है, मतलब जैसे मेरे पास ये शीट है ना, इस सेल में मेरे, इस टाइम मेरी एक्टिव सेल कौन सी है, A1, क्योंकि वही हाइलाइटेड है ना। तो मैं कुछ भी लिखना शुरू करूंगा, मैं मेरे पास ना कीबोर्ड है, मैं कुछ भी शुरू करता हूँ तो कहाँ शुरू होगा वो लिखना, A1 में, दैट इज एक्टिव सेल, है ना। इन केस मैं किसी और, इस टाइम मेरी एक्टिव सेल कौन सी है, C5 है ना, तो मैं टाइप करूंगा तो इसमें होगा, है ना। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल से अगर मैं रेफरेंसिंग देता हूँ तो उसका मतलब जिसमें वो ऑलरेडी होगा उसमें लिखना शुरू कर, है ना। डालो, शुरू करो, मैं करो फर्स्ट कोडिंग शुरू करता हूँ, सब स्पेस नाम डालो जो तुम्हें डाल दें, ये बाय डिफॉल्ट एंड सब आ जाते हैं, उसके बाद आई वो एंटर कर दो, ताकि थोड़ा सा स्पेस ले आओ, हाँ ऊपर जाओ यहाँ से, अब क्या करना है इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसके अंदर खाली है, है ना, वैल्यू डालने के लिए वैल्यू इक्वल टू क्या लिखना है जो तुम्हारा मन करे, काइंड ऑफ इशू का नाम लिख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, ब्लू वेव, ब्लू वेव, ब्लू स्पेस वेव, डब्ल्यू ए वी ई, ओके रन करा के देख सकते हो, रन कराने के लिए स्टेप वाइज रन कराना है, वन बाय वन लाइन वाइज लाइन तो F8, और पूरा एक ही बार में रन कराना है तो F5, क्लियर है, आ गया। एक्टिव सेल मेरी ये थी, अगर मुझे फिर से इसी को रन कराना है, मैं एक्टिव सेल चेंज कर देता हूँ, सीधा F5 मारो, सीधा F5 ना, हाँ पूरा मैक्रो एक ही बार में रन करना है तो F5, लाइन वाइज लाइन करना है तो F8, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके ये तो एक्टिव सेल हो गया। अब मैंने क्या किया, वैल्यू से कराया है ना, एक्टिव सेल इक्वल्स टू लिखो जो लिखना है उसके अंदर, सी ब्लू वेव वाज अ टेक्स्ट, तो मैं 1 2 3 4 दैट्स व्हाई इट वाज इन इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड, ठीक है। अब नंबर लिखना है तो उसके बिना, ठीक है, और वैल्यू की आई होप इसमें जरूरत ना पड़े, अदरवाइज सर जब एड्रेस डाल दो, ये ले लिया रन F5 मार दो डायरेक्ट, सी ले रहा है, तो जरूरत नहीं है, वैल्यू लिखो साथ में, तो उससे भी कॉड थोड़ा और बचते, ठीक है, ईच वर्ड और लेटर सेव्स योर कोड एंड मेमोरी व्हिच विल बी होल्डेड बाय हैंडल्ड बाय योर प्रोसेसर, ओके एंड रैम, हेलो अभी क्लास में हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, एक घंटे बाद, ठीक, हाँ जी ठीक है। तो नंबर्स के लिए विदाउट कोट्स और टेक्स्ट के लिए डबल कोट्स, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। अब सेल रेफरेंसिंग, सेल एड्रेस जो होता है ना, हम उसे बता, अगर अभी तो क्या था एक्टिव सेल में, किसी सेल में है उसमें, इन केस हमें अपनी तरफ से डिफाइन करना है इसी सेल में डालना है, इसी सेल इन सेल्स में डालना है, इसी सेल मतलब सिंगल सेल या मल्टीपल सेल, तो इन सेल्स या रेंज हो गई, है ना। तो सिंगल सेल के लिए मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था, एक तो सेल यूज करेंगे और सेल नहीं सेल्स, दूसरा होता है रेंज के साथ ही होता है, मैंने रेंज का मल्टीपल बताया था, सिंगल भी हो सकता है, रेंज में सिंगल सेल भी हो सकता है, और एक और बताया ना दूसरे तरीके से करनी है तो ये होता है, ठीक है।
इसमें क्या करोगे? दिया एड्रेस, ठीक है, डॉट वैल्यू लगा सकते हो, नहीं लगाना कोई इशू नहीं, जो कुछ भी लिखना है इसमें लेट। F5 मारूंगा तो कौन सा एड्रेस दिया था मैंने? B5 वही टाइप हुआ है, कहीं और का टाइप नहीं हुआ। अगर इसमें रेंज डालनी हो तो रेंज, अभी सिंगल सेल दी ना मैंने, इसी में ड्रेसेस वाले में रेंज बनानी हो तो रेंज आपको कॉलम में यूज करें। हां करो, ओपन करो। हां अंदर ना मारूंगा, अंदर है क्या टाइप होगा? B5 से D5। अब देखो सिंगल रो हो गई ना, ये यहाँ पे सिंगल रो हो गई है ना, इन केस ये होती B1 से तो क्या होगा, तो रेंज क्या बनेगी? तो ये जाएगी यहाँ से B1 से ये पूरी रेंज होगी, ठीक है। कैसे होगी मैं रन करा के दिखा देता हूँ, ठीक है? हो गया पूरी रेंज भाई, इतना क्लियर है? अच्छा एक बार इसको ओवरराइड किया तो था अभी। सी एक्टिव सेल अभी मेरा क्या है? ये क्लियर है? हाँ। दूसरा तरीका सेल्स, पहले इसे बंद खत्म कर देते हैं, अभी पूरा रन नहीं हुआ है, यहाँ बचा हुआ है ना, यहाँ से स्टॉप। अब दूसरा तरीका क्या है? सेल्स, हाँ क्या क्या दे रहा है? रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो इसमें मगर कितना देंगे? अच्छा डाल सकते हो, कोई भी रेंज डाल सकते हो। तुम्हारा सेल जो यूज कर रहे हो उसका रो नंबर सबसे पहले, उसका रो नंबर। हाँ कौन से सेल में डालना है? मुझे G5 में डाल। G5 में? हाँ तो क्या करोगे, रॉ नंबर क्या होगा उसका? 5। G5 का रॉ नंबर 5, then comma 5, ओके कॉलम नंबर G is 7 कॉलम ना। सपोज अगर मुझे काउंट करना हो तो? हाँ अभी बता दो, 7 डालो, G7 करो, पहले 7 डालो, G7 है ना, क्लोज द ब्रैकेट देन ओके, और एक बस में जो भी इसके अंदर लिखना हो यू कैन राइट योर नेम और माय नेम, ओके दैट्स ओके नाउ, ठीक है। अब क्या करेगा ये, यू कैन रन इट F5, क्लियर है? G5 में क्या डालना था? जी कॉलम जी 7 नंबर, ये नंबर्स में लेगा, इतने ऑटोमेटिकली ले लेंगे ना, तो हमने डाला ही वो है ना। हाँ, सी सेल्स में अभी इसने क्या किया, रो नंबर लिया और कॉलम का नंबर लिया है, कॉलम जिस नंबर पे, ठीक है। अब मुझे क्या है, कॉलम काउंट नहीं करना है ना, तुम प्रोग्रामिंग करने बैठे हो, कॉलम काउंट तो नहीं करने बैठोगे, जी काउंट कौन से नंबर, तो क्या हम वो चीज करेंगे, सेल्स सेट करो, दोबारा करना है। हाँ कॉलम में डालने जी ही टाइप कर दो, कॉस्ट के साथ
डबल कोट्स जी के सिर्फ जी हाँ क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स जो भी कुछ डालना है ठीक है ठीक है हाँ तो मैं कॉलम याद करने की जरूरत ही नहीं रटने की और नंबर ये जो डन नहीं हुआ टेक्स्ट लिखा है ना एबीसी इज अ टेक्स्ट अच्छा नंबर से इट शुड बी नंबर्स व्हाट नंबर्स डबल कोट्स हाँ जी ओके ओके क्लियर है नाउ अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज योर रेंज लेट मुझे डालना है H2 से J5 तक सिंगल सेल अगर सिंगल सेल में डालना है H2 में तो सिंगल रेंज के थ्रू में सिंगल सेल में डालना है I just wanted to be typed in H2 then use this only अच्छा मैंने गलत नहीं बनाया था हाँ उसे सिंगल सेल में डालना है तो हाँ अच्छा अच्छा देर है H S two हाँ अब एक से ज़्यादा सेल्स में लेना है तो S two कौन ये होना परफेक्ट अब ठीक है S two से लेके J five हाँ जी तभी क्लोज होगा जब हम पूरा टाइप इसमें इन्वर्टेड कॉमा सब आएगा यहाँ भी अगर हम वर्ड लेना तो भी इन्वर्टेड कॉमा में ही लेना पड़ेगा देन तब जाके वहाँ भी वो रन करेगा अदरवाइज अगर नंबर लेने तो वो ऑलरेडी डायरेक्ट कर देगा ना हाँ यू कैन नाउ क्लियर है ठीक है सेल्स क्लियर है ओके अब रेंज के साथ में सेल्स डालना हो तो सेल्स एंड अदर वन इज रेंज दो मेथड हमारे पास है ना सेल्स क्या करता है सिंगल सेल के लिए है ना या रेंज मोर देन वन सेल्स के लिए है ना अब मुझे ये जो रेंज टाइप करनी है ना ये वाली रेंज किसके थ्रू टाइप करनी है इस वाले फॉर्मूला के थ्रू मतलब रेंज में बाहर ये लिखना है और अंदर सेल एड्रेस कैसे देने हैं ऐसे करके दो सेल्स के थ्रू कोशिश करो डालने की इससे ये वाली चीज ऐसे ना लिख के मीन्स ये वाली रेंज जो तुमने लिखी है ये वाली इसे ऐसे ना लिख के इस फॉर्मेट में लिखना ये वाला फॉर्मेट यूज करके इस फॉर्मेट को यूज करके अच्छा मीन्स उसके अंदर ये वाला यूज करो सेल का एग्जैक्टली सेल्स का अगर मैं यही ना पाइप से ले पाइप हां मुझे नहीं पता मुझे वही एड्रेस नहीं चाहिए एड्रेस तो ये वाला चाहिए एड्रेस कौन सा चाहिए ये H2 से J5 वाला हाँ पूरे रेंज चाहिए ना हाँ ये तो सिंगल पार्ट ही है सी अब तुम लोगों को एक चीज और यार स्क्रीन हिंट आ रहा है क्या स्क्रीन हिंट है मेरे पास ये दिख रहा है कुछ ये रेंज है इसके बाद ये सेल वन सेल वन का एड्रेस डाल दिया दैट इज ये बट अभी मुझे सेल वन दे रहा है और यहां पे सेल्स दे रहा है हां तो सेल सेल वन इज अ हिंट मतलब हमें उस रेंज की फर्स्ट सेल का एड्रेस देना ठीक है अब एड्रेस देने का तरीका है सेल्स के थ्रू ओके दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो मुझे सेल वन जो रेंज की फर्स्ट सेल है क्या है मेरी H2 तो पहले क्या आता है सेल्स में रॉ नंबर ठीक है उसके बाद कॉलम नंबर यहाँ पे है ना दैट इज योर एच उसके बाद अब मैं बाहर निकल गया लास्ट वाली सेल का लेके आ दूं पहले कॉमा डालना पड़ेगा मुझे अब सेल्स लास्ट वाली सेल डालो हाँ टाइप एक सेकेंड और रुक जाए एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा छोड़ स्क्रीन में जगह बना लेता हूँ है ना इसे हम किस कर सकते हैं सो दैट वी कैन सी आर कोड है ना अब इसके अंदर जो भी टाइप करना हो इट इज अ टेक्स्ट एक मिनट यहाँ गए सब कुछ मैं उड़ा देता हूँ है ना
हाँ नाउ डू इट. क्या कर रहा है, क्या डाउट, क्या चीज रह गई, सोचो. इसमें रह गया है क्या, मिस किया, कॉमा बंद नहीं किया है क्या, सॉरी ब्रैकेट्स बंद नहीं किया. हाँ जी ब्रैकेट्स या क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस. ओके फिट नाउ रन इट. F8 नाउ अब देखो तुम्हें यहाँ पे अब हमने ये करना था, हमें ये वाली लाइन जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं करानी. कौन सी वाली, ये वाली लाइन है ना. सो कमेंट कर देंगे तो क्या करेंगे, कमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे करेंगे, कोटेशन मार्क से. ओके इट्स कोटेशन मतलब इसको ओवरराइड नहीं करना. अब हाँ जो जो हमें नहीं रन करानी और हम डिलीट भी नहीं करें, क्यों, हो सकता है फ्यूचर में वो चीज काम आ जाए. तो सी हम कोडर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं जब भी हम लोग अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम कोड कोई बना रहे हैं तो क्या होता है हमें मल्टीपल लाइन्स लिखनी पड़ी. लेकिन हम जब चेक करते हैं तो हो सकता है हमें एक करानी है एक नहीं करानी है, और हो सकता है वो चीज़ हमें बाद में चाहिए, तो उसे क्या कर लेते हैं फॉर दैट मोमेंट कमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दैट हमारे पास वो लाइन रहे हमें दोबारा ना लिखनी. अगर हम उसे कमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसमें मेमोरीज और फिर टाइमिंग ज़्यादा यूज नहीं होगा. नहीं वो इग्नोर मार देगा उसे, कमेंट के लिए होगा ना. हाँ कमेंट में वो यूटिलाइज नहीं करेगा वो, क्योंकि उस पर रन नहीं करेगा. हाँ जिस पर रन करेगा उस पर यूज होता है बिल्कुल, अदरवाइज हमारी रैम होल्ड नहीं करेगा ना. इसमें हमने कमेंट भी कर दिया, उसको रीड कर चेक कर रहे हैं. हाँ अगर मैं अपने लिए बनाया बस, तो इसलिए कमेंट कर दो ना कि उस लाइन को पूरा डिलीट मारो और फिर बाद में लिखने बैठो, क्योंकि तुम्हें पता है अंडो नहीं होता अभी. ठीक है डिलीट मारो दोबारा टाइप करो, वो बात अलग है कोडिंग करते टाइम होता है अंडो, बट इनकेस तुम लोगों ने रन करा दिया तो सब बात तो फिर होगा नहीं ना. ठीक है बेटर है कमेंट में यूज करो इसे, है ना. अब मैंने ये क्या किया, कमेंट में यूज किया, कंट्रोल पी डिलीट डन F8. ओके अब बाकी जो मैंने कमेंट बनाए थे वो यूज नहीं हुए, कहीं एमबीसी टाइप नहीं हुआ ना G5 में. नहीं क्यों, G5 में तुम्हारा 1-2-3 टाइप हुआ था, क्यों 5 और 7 का हमने दिया हुआ था रेफरेंस, बट उसके बाद G और 5 का जो दोबारा दिया था वो नहीं टाइप हुआ, क्यों हमने वो कमेंट में दे, तो उसे वो छोड़ दिया. नेक्स्ट लाइन में H2 था 1-2-3 टाइप किया उसने. ठीक है अब उसके बाद हमने रेंज वाला पार्ट था जो कमेंट बनाया था वो छोड़ दिया है, सीधा अगली लाइन पे आ गया तुम्हारी. अब मैं इसे फिर से करता हूँ F8 पूरा क्लियर है, कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए अभी तक तो समझ में आ गया. सेल एफिशिएंसी में क्या क्या है, कौन सबसे ज्यादा कौन कौन से यूटिलाइज होंगे, ये वाला और नीचे ये वाला रेंज वाला. ठीक है अब ये वाला यूज होगा और रेंज के साथ यूज होगा तो ऐसे यूज होगा. ठीक है ये कब यूज होगा, मोस्टली जब हम लूप्स वगैरह काम करेंगे वो आगे की बात है. ठीक है लूप्स बहुत आगे आएंगे अभी बेसिक्स पहले, क्योंकि उस लूप्स वगैरह पे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें बतानी है, वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट्स जो है कंस्ट्रेंट्स. ठीक है हाँ ये क्लियर हो गया. उसके बाद हमारे पास है इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये कोड मैं तुम लोगों को भेज दूंगा. उसके बाद हाँ ये वाला रेफरेंसिंग वाला था, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग. अब फॉर्मेटिंग में क्या है रेंज तुम लोगों को पता चली गई है ना. फॉर्मेटिंग में एक बार देख सकते हो तुम लोग, बोल्ड करना हो, नेम डालना हो, कलर चेंज करना हो एंड ऑल. हाँ तो अब इसके लिए क्या करोगे, फिर से जा सकते हो इसी मॉड्यूल में अपने में. ठीक है यहाँ टाइप करो नया, क्या करना है फॉर्मेटिंग करनी है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी पे कर लेते हैं, है ना. तो ऊपर वाला मैक्रो से हमने कुछ डेटा लिख ही लिया है. ठीक है हाँ नया बना, हाँ संगीत तुम यूज करो. हाँ जी लिखिए नाम बनाइए सब सब के लिए. सी
कोई भी मेथड शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब लिखते हैं, सब प्रोसीजर। हाँ हाँ हाँ, एंड सब मींस ऊपर वाला मेथड था वो। कट ऑफ जेड करो, फिर से करो, करते हो जब तक आता है, कंट्रोल जेड करते रहो। परफेक्ट, ठीक है। अब बैक स्पेस, हाँ सब टाइप करो, स्पेस जो नाम रखना है वो, देन एंटर। तो क्या हुआ, एक लाइन आ गई नहीं है, मींस उससे समझ में आ गया नया मैक्रो शुरू हो गया है, ठीक है, नया कोड शुरू हो गया है। तो इसलिए उसने नया मैक्रो जैसे ही शुरू हुआ एक लाइन डाल दी है। अब और जैसे ही तुम्हारा नया शुरू हुआ इसने एंड सब लास्ट वाली लाइन ऑलरेडी खुद से डाल दी। अपने शुरू में थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है ना, रेंज डालो, किस रेंज में करनी है। अभी देखो मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी रेंज में मेरे पास टेक्स्ट है, V2 से, B1 से, सॉरी रेंज मैंने पूछी है B1 से D5 तक है ना, इस पूरी रेंज में मेरे पास टेक्स्ट है, ये मेरे पास टेक्स्ट है ना, है। क्या करना है इसको, सबसे पहले तो ये सारा बोल्ड करना है, पूरी रेंज का, एक साल नहीं पूरी रेंज का, पूरी रेंज का। हाँ जी, तो पूरी रेंज कैसे टाइप करोगे, एड्रेस ऊपर कुछ लिखा हुआ है, रेंज स्टार्ट ब्रैकेट, हाँ देन अब टाइप करना पड़ेगा, हाँ क्या टाइप करना है, बी बी पूरा पूरा ही करना है ना, बी, हाँ बी वन, हाँ कॉलन, उसके बाद लास्ट चल गया इस रेंज की D5, इट्स D5, ओके क्लोज द, क्लोज करने से पहले कोटेशन आएंगे, डबल कोट्स, ओके सॉरी, एंटर। हाँ एक मिनट, एंटर नहीं करना, अब क्या करना है, अब बोल्ड करना था ना, सबसे पहले क्या करना है, बोल्ड, बोल्ड किस पे होता है, फॉन्ट बोल्ड होता है ना, सेल तो बोल्ड नहीं होती, क्या बोल्ड होता है, फॉन्ट होता है ना, जो लिखा होता है वो बोल्ड होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, फॉन्ट के ऊपर काम करना है, डॉट डालो, डॉट्स नहीं, ठीक है, देन क्या करना, किसके ऊपर काम करना है, फॉन्ट के ऊपर, टाइप करो फॉन्ट, आ गया। देखो सी डॉट के बाद तुम लोग एक चीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसे कहते हैं इंटेलिजेंस लिस्ट, ये जो लिस्ट खुल के आई ना इसे कहते हैं इंटेलिजेंस लिस्ट, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल स्पेस के साथ, कई बार क्या होता है मैं एफ दबाया, एफ के साथ जितने भी थे सारे आ गए, है ना। अब मुझे क्या टाइप करना है, फॉन्ट F1 सबसे ऊपर वाला ही है, टैब मारो एंड खत्म, देन अगेन डॉट, क्या करना है इसके साथ, मुझे इसे बोल्ड करना है, डॉट फिर से खुल के आ गई, नीचे दिख रहा है, चाहो तो एरो की से, हाँ परफेक्ट, टैब मार सकते हो, बोल्ड करना है, एंटर नहीं मारना था, क्यों कोड पुराने से, क्या ठीक था, हाँ टैब यूज, टैब ओके, अब इक्वल्स बोल्ड को करने के लिए ट्रू, क्या करेंगे, ट्रू टाइप, ट्रू ट्योर नहीं, देन एंटर, ओके लेने से कमांड, अब इसे रन कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट फाइव मारा था सारे हो गए बोल्ड, सी यू कैन सी नाउ, ओके अब नेक्स्ट लाइन लिखो, इससे क्या करना है, क्या करना चाहते हो, इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, हाँ जी कैसे करोगे, सोहन करो, इसका फॉन्ट चेंज करना है, मतलब कलर चेंज करना है, फॉन्ट क्या है यहाँ पे, अभी मेरे पास इसका, मेरे टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है, कैलिब्री, मुझे इसे एरियल करना है,
देन अगेन वही टाइप करके देन डॉट के बाद फिर वही आएगा ना सारा। एक काम करेंगे ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे। हां परफेक्ट, ये इजी स्टेप है, अगर पीछे ऊपर लाइन लिखी है उसी को कॉपी पेस्ट मारो। इसका बोर्ड तक नहीं, बोर्ड तक नहीं फोन तक ही कॉपी होगा ना। हां परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। हां फॉन्ट का नेम चेंज, हां नेम चेंज, फॉन्ट का नेम चेंज करना है तो एन टाइप करो, आई जाएगा लिस्ट में, आ गया सबसे ऊपर ही नेम। हां टैब, क्या नेम डालना है मुझे? एरियल, एरियल इक्वल टू कर रहे हैं। हां जी इक्वल क्या है? एरियल। हां टेक्स्ट है तो डबल कोट्स में आएगा, देन एंटर। देन हमने बोल्ड के ऊपर ट्रू डाला ना। हां जी, उसे वापस हटाना है तो फॉल्स कर देंगे। ओके क्या करेंगे? False. अच्छा ये बोल्ड हटाना हो तो मुझे false करना, ठीक है? ये देखो, ओके हो गया टेक्स्ट चेंज। हो क्या था हमारा फॉन्ट कैलिबरी था, अब क्या हो गया? ठीक है ओके, अब मुझे बोल्ड हटाना है तो क्या करोगे? बोल्ड हटाने के लिए false कर देंगे, true की जगह करो। already copied है तो paste मार दो सीधा नीचे। that's good. Now you can run it again. ठीक है, बोल रहा ठीक है, फॉन्ट भी चेंज हो चुका तुम्हारा। अब क्या करना है? ये चीजें हैं तुम्हें हर चीज करने के लिए वन बाय वन लिखना पड़ेगा। कलर डाल देना। हाँ। अगर हमें फॉन्ट को साइज बड़ा, हाँ तो जहाँ नेम है तो हाँ वही वो साइज इसका आ जाएगा ना। ठीक है तो करके देखो। देन कलर देना, संगीत देना। फॉन्ट आ गया। हाँ उसके देखो, टाइप करो। अभी तुम एक्सेल में देख सकते हो यहाँ साइज कितना है, 11 है, वहाँ तुम साइज टाइप कर सकते हो जो तुम्हें डालना है, बड़ा करना है डायरेक्ट साइज़ डायरेक्ट नंबर डाल दो। ठीक है नाउ तुम इसे रन करा सकते हो, F5 या F8, F8 देन F5, F8 टाइप करो। ओके इट विल बी बेटर, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा बेटर होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई कैन सी दैट इजीली। ओके नाउ अब क्या हुआ? अब कलर चेंज करते हैं। अगर फॉन्ट्स चेंज किया उसका साइज बड़ा हो गया, साइज तो तुम्हें लग रहा होगा ये बोल्ड भी हो गया है, बोल्ड नहीं हुआ है, बोल्ड साइज बड़ा हुआ है। यू ऑन टू ऑलरेडी, अच्छा हमने फॉल्स ठीक है, फॉल्स किया था ना, फॉल्स किया था हमने, क्यों बोल्ड हो गया वो हमने फॉल्स कर दिया था। हां फॉल्स कर दिया था, ठीक है। हां वो बोल्ड नहीं है, अगर लगता है ना कि ऐसा कुछ है, पर बोल्ड को रेंज जो हमने फॉल्स किया ना उसके ऊपर कमेंट बना देना। किसका जो हमें फॉल्स किया बोल्ड वाले को उसके ऊपर कमेंट बनाओ, ऊपर जाओ हां बस नीचे वाले को कमेंट बनाने के लिए कोटेशन मार्क, जैसे डबल कोट लगा शुरू में फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट के स्टार्ट में कोटेशन मार्क को लगा देना। अभी जैसे डबल कोटेशन लगा देना, सिंगल रेंज को सिर्फ सिंगल लगानी है, अब सिंगल लगाना है। हां तो एक नीचे आ जाओ, नीचे हां एरो की अब दबा लो। ओके अब एरो मारो, ठीक है, और कोड भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा हां अब वो बोल रहा है, अब वो क्या हुआ? अनबोल्ड नहीं हुआ दोबारा से, हां है ना? ठीक है ये समझ में आ गया। अभी क्या करना है? मुझे पढ़ रहा है हर स्टेप के लिए बोल्ड करना है, नेम डालना है, इटैलिक करना हो तो भी, तो अभी क्या इटैलिक करना हो तो बोल्ड की जगह में उसे इटैलिक टाइप करना होगा। अब वो ट्रू फॉल्स भी काम करेगा, ठीक है? जैसे ये बोल्ड ट्रू फॉल्स काम कर रहा है, इटैलिक अंडरलाइन ट्रू फॉल्स काम करेगा। ठीक है क्लियर है? अब मुझे इन सब को एक ही स्टेप से करना है। मुझे ये चीज देखो, इन सब में सारे स्टेटमेंट से क्या कॉमन है? फॉन्ट तक कॉमन है, फॉन्ट तक कॉमन है, तो मुझे सिर्फ ये चीज एक ही बार लिखनी पड़े, बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ मैं हर बार लिख सकता हूं। तो बोल्ड डॉट नो नेम डॉट साइज, तो फिर ऐसे आएगा फॉन्ट एंड बोल्ड कैसे डॉट, फिर स्टेटमेंट में कैसे डालोगे ट्रू और अभी नहीं ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास एक होता है, हां जी तो लेंथ ही अभी है, इसे छोटा बनाने के लिए नीचे हो। हाँ नया स्टार्ट करो, नया सब करो, देन अगेन रेंज सब नया सब स्टार्ट करना है। पहले सीखने नहीं होना था, इतनी देर में चाहिए, एंटर मारो, एंटर मारिए आप करो। हाँ जी सब, हाँ नाम दो,
अब मैं तुम्हें कौन से स्टेटमेंट सिखा रहा हूँ? विद, तो विद टाइप करो, तभी तुम्हें पता रहे क्या हो रहा है। विद मत, विद करें, विद बता दो, विद नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन है अगर हम विद आगे यूज करेंगे तो क्या फिर सब में नाम तो नहीं देंगे? अब बीस के साथ कुछ और भी डाल देंगे ना। हाँ विद अंडरस्कोर कुछ कर, विद अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ जाएगा। क्या करना है मुझे? देखो ये चीज हमारी रहनी है, फॉन्ट तो हमारा कॉमन है, तो क्या करेंगे एक और थोड़ा सी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है क्या करेंगे, क्या टाइप करना है यहाँ पे? टाइप विद, विद स्टेटमेंट सीख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ सबसे पहले क्या टाइप करोगे? विद। ठीक है स्पेस, अब जो भी मारा था रेंज तक पेस्ट मारो, ऑलरेडी कॉपीड है पेस्ट मारो, कंट्रोल वी। ओके मुझे कहाँ तक कॉमन चाहिए? फॉन्ट तक, फॉन्ट तक। ठीक है तो बोल्ड हटाओ, बोल्ड को हटाओ, डॉट हटाओ, परफेक्ट, एंटर मारो, एक और एंटर मारो, थोड़ा सा स्पेस। रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही आता है ना कुछ? बिल्कुल ये आएगा जब रिकॉर्ड करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड तो शायद ऐसा आता है। ठीक है अब विद में क्या है, अब ये इस वाले स्टेटमेंट के साथ हम क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें। सबसे पहले क्या करना है हमें, नेम चेंज करना है इनके फॉन्ट का, तो डॉट डॉट स्टेटमेंट में जो हम लिखते हैं फॉन्ट के बाद क्या लिखते हैं? डॉट। अब यहां से वहां पे बैक सी टैब मारो, बस मैंने जानबूझ के यहां लाया हूं ताकि मैं विद वाले स्टेटमेंट के साथ, एक होता है प्रोग्रामिंग में एक नीटली क्लीन होता है, उसमें क्या होता है तुम्हारा मेन और सब जो हेडिंग्स होती हैं अदर स्टेटमेंट्स वो, ताकि हम लोग पता है क्या स्टार्ट हो रही है, एक लाइन में लिख सकते हैं कोई इशू नहीं। ठीक है जैसे मैं चाहूं तो यहाँ पे जो मैंने टैब दिए हैं नहीं भी देता, यहाँ से भी लिख देता कोई इशू नहीं, बट थोड़ा नीट बनाने के लिए सर थोड़ा सा ध्यान डाल देता है। ठीक है तो अभी हेडिंग मुझे यहाँ पे शुरू करनी है, मैंने दो टैब दिए यहाँ पे डॉट, क्या करना है सबसे पहले इन केस तो मैं बोल्ड करना है या नेम डालना है, नेम चेंज करना है फॉन्ट का, फॉन्ट के साथ काम हो रहा है। देखो सी जो भी काम होगा ना यहाँ पे किसके साथ होगा? फॉन्ट के साथ, फॉन्ट के साथ। ठीक है डॉट क्या करना है? कलर चेंज कर दे, कलर कर दो, रेंज तुम डाल ही चुके हो। हाँ कलर पर एंटर नहीं यार, बड़ी बुरी आदत है। ठीक है हाँ क्या करना था उसके बाद? ऊपर वाले स्टेटमेंट अब कुछ नहीं करना, अब इक्वल टाइप करना है। ठीक है ऊपर वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डॉट जो भी तुम्हें करना है इक्वल, क्या करना है कलर कौन सा डालना है? अब देखो कलर, हाँ VBA में कलर नॉर्मल कलर नहीं डालते, जैसे तो ब्लू रेड येलो सीधा टाइप नहीं करते, एक तुम्हारा कलर नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। आई होप तुम्हें हेक्साडेसिमल नंबर नहीं पता क्या होते हैं, जो हम लोग जनरल नंबर यूज करते हैं वो होते हैं डेसिमल। डेसिमल मतलब उसमें कितने नंबर्स हैं हमारे पास, बेसिक नंबर्स कितने हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। हम जो जनरली नंबर्स लिखते हैं वो डेसिमल होता है, वो डेसिमल फॉर्मेट होता है। उसमें कितने नंबर्स हैं हमारे पास? नंबर कौन से वाले में समझ नहीं। ओके काउंटिंग हमारे पास जो नंबर्स हैं हम लोग जो जनरली डेली यूज में यूज करते हैं ये यूज करते होते हैं, 0 टू 10, 0, 1, 0 टू 9, हाँ जी 0 टू 10 नहीं 0 टू 9, 10 आ गया तो रिपीट हो गए नंबर। ठीक है रिपीट नहीं होने हैं, तो 0 टू 9 क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है अब जब हमारे पास कलर स्कीम होती है प्रोग्रामिंग में वो होती है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्साडेसिमल मतलब उसमें जो डेसिमल में तुम्हारे होते हैं डेक का मतलब होता है 10, सॉरी डेसी ये होता है 10, ठीक है 10. इसका मतलब होता है 10, हेक्सा होता है तुम्हारा 16. तो अभी हमारे पास कितने यूनिक नंबर्स हैं इसमें डेसिमल वाले में? 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं है 10 में रिपीट हो गया, 10 में रिपीट होने शुरू हो गया। टोटल कितने नंबर हैं वो? 10,
दस है ना, जीरो से नौ तक दस हुए, एक से नौ नौ और एक जीरो दस है ना, ठीक है। इसमें कितने होंगे? सोलह। कौन कौन से? जीरो टू नाइन वही है, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। ए बी सी डी ई एफ। लेट मी शो। जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन। अब टेन की जगह पे क्या होगा? ये टेन है, इसमें जो टेन है वो ये है। ओके, तो ए लिखा है तो वो क्या है? टेन। बी लिखा है तो क्या है? ऑब्वियसली टेन के बाद क्या आएगा? इलेवन। अब ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन और एफ इज ऐसी वाले दस नंबर होते हैं, हेक्सा सोचो। हाँ जी, ऐसे ही ऑक्टल होते हैं। ऑक्टल कितने होते हैं? आठ। कितने होते हैं? आठ। तो आठ होते हैं तो कितने, तो हम जीरो से कहाँ तक जाएंगे? सेवन पे तक जाएंगे। तो जब आठ होंगे तो सेवन पे तक जाएंगे, इससे ऊपर होते हैं, ठीक है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं, मोस्टली हेक्साडेसिमल यूज होता है, मैक्सिमम वाला ये है। नंबर सिस्टम में जनरली यही होता है, जो मशीन लैंग्वेज है, नॉर्मल मशीन लैंग्वेज थोड़े अंदर डीप हो जाती है, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। जो हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भाई ऐसा लैंग्वेज चलती है, जैसे यहाँ पे है VBA, हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो तुम्हारी ऐसा वर्ड के साथ चल रही है। अगर आप मशीन लैंग्वेज जाएंगे, वहाँ कोडिंग होती है हेक्साडेसिमल में, इस वाले कोड में, ठीक है। हम लोग जब कॉलेज में थे, हमारे पास ये थी और हमें मशीन लर्निंग मशीन लैंग्वेज पे काम करना था, तो हमें किस में कोडिंग करनी पड़ती थी? इसमें। अभी क्या होता है, ये जो कोड है तुम्हारे, ये मशीन लैंग्वेज में अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर समझता है क्या करना है मुझे, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं ऑटोमेटिकली अंदर जो कंपाइलर है उसके थ्रू, ठीक है। बट अब हमारे पास डायरेक्ट हमें प्रोसेसर पे काम करना है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो किस में होगी? हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसीलिए जो कलर स्कीम यहाँ पे यूज होती है, वो या तो हेक्साडेसिमल होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, और या फिर अपना या VBA में VB करके और कलर का नाम, और या RGB करके, RGB RGB इज रेड ग्रीन ब्लू, VB इज फॉर VBA, ठीक है। VB कलर से होते हैं, VB कलर में VB करके उसमें ब्लैक कलर करते हैं, नेम ऑफ द कलर, जैसे VB ब्लू, VB श्याम, VB रेड, VB येलो, ठीक है, दिस वे। तो ऑक्टल में कितने तक होंगे नंबर्स? आठ, जीरो टू सेवन। उसका टेन कितना होगा? टेन उसका होगा यहाँ से, मतलब बी नहीं, नाइन कितना होगा? नाइन उसका होगा ए होगा। नंबर खत्म हो गए इसका, अब खत्म। अब मुझे 10 करना हो तो क्या होगा? देखो डेसिमल में हमारे पास 9 के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं, तो रिपीट होने शुरू होते हैं। 9 के बाद नंबर खत्म हो गए, 10 लिखने के लिए क्या करते हैं? वापस जो शुरू का नंबर था उसे यूज करते हैं, देन 10 है। अच्छा, है ना? हाँ। यही करते हैं ना, तो क्या करें? तो ऐसे ही इसमें 8 जो होगा वही होगा, 10 होगा, दिस इज इट, नॉट द 10। ऑक्टल फॉर्मेट में ये तुम्हारा क्या है? 8 है। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ 15 तक मेरे पास नंबर है ना, 15 तक है ना, हाँ, यहाँ पर अगर मुझे 16 लिखना होगा तो दिस इज 16। मतलब उसके बाद हेक्साडेसिमल स्टार्ट होगा, दिस इज इन हेक्साडेसिमल। मतलब ऑक्टल में एबीसीडी यूज नहीं करते? ऑक्टल में हम एबीसीडी तक पहुंचे साथ में ही रहेंगे, इवन हमारे डिजिट्स भी पूरे नहीं, डिजिट्स भी कवर नहीं हुए वहां। अच्छा, तो हम 9 तक जाएंगे, मतलब यहां से अगर हम एबीसीडी तक स्टार्ट करना हो दोबारा, तो मतलब 11 के बाद फिर यूज करेंगे एबीसीडी कहां? ऑक्टल में तो यूज ही नहीं होगी, वही तो मैं कह रहा हूं, उसमें यूज ही नहीं होगा। और जैसे डेसिमल में होती है यूज? नहीं होती, नहीं होती, डेसिमल में भी नहीं होगी, क्योंकि वो नंबर्स पे खत्म हो जाते हैं, है ना, ठीक है। हेक्साडेसिमल में यूज हो रही है क्योंकि नंबर खत्म हो गए हैं, उसके बाद मुझे आगे तो जाना ही है, आगे जाना ही है, ठीक है। अब 15 पूरे करने हैं ना हेक्साडेसिमल में, हां, दैट मतलब ऑक्टल से मतलब नहीं है, मैं ऑक्टल कितना होता है?
हेक्साडेसिमल में 16 कैसे लिखेंगे? 16 होगा ये 10 10 आप हेक्साडेसिमल में 10 ही तो है. ओके हां दैट इज योर 16 ना. हां हां ठीक है ठीक है. डेसिमल में 10 होता है. डेसिमल में 10 होता है ना 10. हां कंफ्यूज मत होना. और अगर अब मैं बाइनरी की बात करूं तो उसमें कितना होता है? उसमें 2 उसमें बाइनरी में दो ही होते हैं. ठीक बाइनरी में सिर्फ दो होते हैं. नहीं कलर के लिए मैं अब तो जनरल एक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात बता रहा हूँ. बाइनरी में कितने होते हैं? सिर्फ दो. कौन कौन से दो होंगे? तो दो होंगे तो कौन कौन से होंगे? 01 बस 0 और 1 खत्म. बाइनरी का बाई का मतलब 2. ऑक्टल का मतलब ओसीटी. ऑक्टल जो होता है वो 8 होता है. ठीक है इसलिए उसमें 8 ही नंबर्स है ना. अच्छा तो हमारा इसमें क्या यूज होगा? इसमें अगर मुझे अब देखो 0 हो गया 1 हो गया 2 लिखना होगा तो क्या करें? फिर 10 फिर 10 10 नहीं 10 10 हां आई मीन दैट इज योर 2 2 ओके. हेक्साडेसिमल के 2 के नहीं सॉरी डेसिमल के हेक्साडेसिमल नहीं हेक्साडेसिमल के 16 के कुल है. इक्वल इक्वल तो ये 2 के क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2 है. तो 2 के इक्वल हुआ ना डेसिमल के. अच्छा या हेक्साडेसिमल के बट जो लिखेंगे लिखने का फॉर्मेट वही है जो हेक्साडेसिमल 16 होगा. ऑक्टल में 8 होगा. डेसिमल में 10 होगा और बाइनरी में 2 होगा. अभी से 3 बनाना हो तो दिस इज योर 3. फिलहाल हम VBA यूज कर लेंगे. इजीएस्ट है. क्यों? क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल लैंग्वेज नहीं आती ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग की. ठीक है तो कलर कौन सा डालते हैं? वीबी कौन सा? वीबी ब्लू. ऑब्वियसली जब तक ब्लू ही निकलता है मुझसे. हाँ तो डालिए टाइप कीजिए ब्लू. वीबी मैंने टाइप कर दिया है. देन ब्लू ना. हाँ जी हाँ. इसमें सारे कलर लेता है ये वीबी के साथ? वीबी के साथ सारे नहीं होंगे. वीबी नेवी ब्लू डालने जाओगे तो लेट्स सी नेवी ब्लू है या नहीं है. सी तुम लोग वीबी टाइप करो. ठीक है अब क्या करना है? इंटेलिजेंस लिस्ट खोल ली है. यहाँ पे कलर ढूंढ लो. कंट्रोल स्पेस क्या था? कंट्रोल स्पेस. ठीक है थोड़ा नहीं ये शॉर्टकट है इनका ना. नोट्स बना दो. हाँ शॉर्ट एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम कॉपी लेके आना. हाँ हमारे क्या अपनी कॉपी. हाँ पर एक के पास है पेज उठा कर वो पेज में कॉपी कॉपी बनी नहीं. फोटो कॉपी और फोटो कॉपी रीड नहीं होती. कॉपी लेके आना नेक्स्ट टाइम. हाँ वो उतना सही रहेगा कि मुझे शॉर्टकट्स होंगे ना वो इटैलिक आ गया टाइम पर ट्रू. हां जिसको कुछ बैंगन दिन में ट्रू फॉर दे रहा है. एग्जैक्टली ओके क्या है ना और क्या करना है? अगर हम इसमें अंडरलाइन देनी है तो क्या करना है? अंडरलाइन करना. हाँ जी आ गया. टैप मारो बिकॉज. हाँ अभी रुक जाओ. अब हम क्या कर रहे हैं? विद स्टेटमेंट यूज हो गया. मैं कलर भी तो कर विद कलर हो गया. हाँ अब देखो करते रहना बीच में. अब क्या है विद के स्टेटमेंट है चल रहा है पूरा. अब विद को बंद करोगे खत्म करोगे कैसे करेंगे? एंड विद करो. एंड
कोई भी स्टैक पॉइंट खत्म होगी तो एंड के साथ, जैसे एंड सब होते हैं ना, पहले एंड देन जैसे तो मैं आवाज में आ गया इफ के साथ चलेंगे हम तो देन एंड इफ होगा, इफ एंड नहीं होगा, ठीक है। अब तुम एफर्ट के साथ जा सकते हो, जाओ एफर्ट दबाते रहो, ठीक है, चलो जाओ विद की स्टेटमेंट खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और से, हाँ जी, सेल के अंदर फिर से एफर्ट डालना है, हाँ, अब उस पे, ठीक है। अभी हम किसके साथ काम कर रहे थे, फॉन्ट के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, जो बैकग्राउंड कलर डालना है, है ना, क्या करते हैं हम, अब हम उसके इंटीरियर पे आते हैं, तो क्या होता है वो इंटीरियर होता है, तो तुम पेस्ट मारो, तुम मारो पहले, ये फॉन्ट के साथ नहीं आता, फॉन्ट थोड़ी है वो, फॉन्ट के साथ जो होना था कलर हो गया ना, नहीं उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी हमें किस पे काम करना है, सेल के ऊपर काम, ये फॉन्ट यूज होता है, तो उसके लिए कुछ चेंजेस कर, अभी हमें किस पे काम करना है, सेल पे, तो यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, सेल का क्या हो रहा है, सेल का ऑब्वियसली मैंने रेंज दी हुई है, तो क्या करेंगे उसका इंटीरियर चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर टाइप करो, इंटीरियर आईएनटी टाइप करो, आईएनटी टाइप कर दो और स्पेस मारो, बस वो आ जाएगा, इंटेलिजेंस यूज करो, आईएनटी कंट्रोल स्पेस दबाओ, ठीक है, डॉट कंट्रोल स्पेस दबाओ, हाँ तो पहले ही आ गया, क्या करना है इसमें कलर डालना है, है ना, कलर डालना, लाओ नीचे ये वाला, बिल्कुल ये लेते हैं, कलर कलर इक्वल्स फिर वही वीबी, हाँ वीबी, क्या करना है येलो डाल दो ऊपर, परफेक्ट, नाउ यू कैन गो विद एफएट और एफआई, ओके क्लियर है, इतना बॉर्डर लगाना हो तो हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर का कलर होगा, बॉर्डर कलर होता है पता है, बॉर्डर की लाइन होती है और बॉर्डर का फॉन्ट, मतलब बॉर्डर का फॉन्ट नहीं होता, सॉरी उसकी क्या कहते हैं, मोटाई होती है, थिकनेस है, बॉर्डर की थिकनेस होती है, है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहोगे, लाइन स्टाइल, देखो तुम्हें लाइन स्टाइल देना पड़ेगा उसे, देखो बॉर्डर क्या होता है यहाँ पे, एक तो हमारे जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, उसमें डॉट डॉट आ रहा है ना, डैश करके आ रहे हैं, तो ये एक लाइन स्टाइल है, डॉट करके लाइन स्टाइल होता है, ठीक है, तो बॉर्डर्स इक्वल करेंगे, ओ लाइन स्टाइल करेंगे, क्योंकि हमें लाइन का स्टाइल चाहिए उसकी, इक्वल्स, अब क्या करेंगे, एक्सेल कंट्रोल स्पेस मारो, एंटर से लिस्ट खोलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारे टाइप होते हैं, एक्सेल डबल भी होते हैं, ऊपर जो दिख रहा था, ठीक है, देख सकते हो, हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब इसका क्या करना है, मैं उसकी मतलब विड्थ और लेंथ बढ़ानी है, हाँ बढ़ाओ, रेंज टाइप करो, तो यही चीज तुम अब देखो, अभी तुम लोग इंडिविजुअल लाइन टाइप कर रहे हो अकॉर्डिंग, ये विड्थ करके साथ, विड्थ के साथ दिखाओ मुझे करके, अब मतलब क्या क्या करना है मुझे,
सब में कॉमन क्या है? बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स टाइप करो। क्या करना है बताओ, बॉर्डर पर कलर दे दे। सियान को संस्कृत में सियान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। स्वान होता है। सियान नहीं होता। हाँ सॉरी सॉरी, स्वान होता है। आया रे तो उन्हें कुत्ता तो आगे। ओके हाँ, अब क्या करना है, मैं इसके लाइन का वेट बढ़ाना है, मतलब मोटी पतली वेट करो। वेट भी होता है। हाँ डब्ल्यू ई आई आया। ओके करो टाइमर इक्वल्स दे दो कोई ना। हाँ, कम तो नहीं पता नहीं, देखना पता है ऐसा बहुत ज्यादा है। ठीक है डॉट, और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं? डॉट लाइन स्टाइल तो नहीं है तो क्या होगा, कुछ और कर लो, कंटिन्यूस कर दो उसे चाहो तो। मतलब अभी क्या है, डॉट डॉट आ रहा है ना, उसकी जगह क्या करोगे आप? कंटिन्यू एक्सेल कंटिन्यूस। वी भी आता क्या एक्सेल? एक्सेल के साथ अभी ऊपर एक्सेल किया था ना, एक्सेल क्या करना है? नहीं हाँ कंटिन्यूस टाइप कर दो, जब तुम्हें बताइए तो क्या ही नहीं रहा है ना, करते रहो। अरे नहीं यार पांचवे नंबर पे कंटिन्यूस। हाँ जी टाइम, अब ये स्टेटमेंट खत्म करनी है तो ठीक है। हाँ जी स्टेटमेंट के लाइन है ना, इसके साथ परफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप वाइज देखो, क्या बोला है, कलर देखो यहाँ से आन हो गया तो तुम्हें इसलिए दिख नहीं, क्योंकि पीछे उसके ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा हो गया वो शायद उसमें है, तो ये एक्चुअली 12 पे ही है, तो हम क्या करते हैं छोटा देते हैं, मे भी ये तो नहीं जाता हूँ अब करना, रुक जाओ ठीक है। देखो अभी वो हुआ है बट अब भी नहीं दिख रहा है ना, है ना तो माउस से कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हाँ कीबोर्ड से मुझे भी अभी आईडिया नहीं, मैंने किया था क्या नहीं देखा, तभी देख रहा कीबोर्ड पर ऑन जाना माउस से। हाँ ठीक है नेक्स्ट कंटिन्यूस, ऑलरेडी फर्क नहीं पता चला क्योंकि जैसे ही वो वेट 3 हुआ उसको कंटिन्यूस की तरह ही दिखा दो है ना, तो चाहो तो ऊपर जो लाइन स्टाइल है उसे डैश डाल सकते हो क्या, एक्सेल डैश। ठीक है अब कर सकते हो सीधा F5 मार सकते हो, F5 मारोगे तो लास्ट वाली लाइन दिखाई नहीं देगी कंटिन्यूस की वजह से। समझ में आ गया बॉर्डर के साथ कोई इशू नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सरदर्द तो नहीं होना शुरू हुआ ना अभी? नहीं अभी तो ठीक है, मेरे ऑलरेडी हो रहा था सुबह से, फिर ठीक है फिर कोई बात नहीं, अगर सुबह से हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ये तुम्हारी होगी फॉर्मेटिंग, कौन कौन सी बॉर्डर की मैं ऑलरेडी तो बॉर्डर आ चुका हूँ। हाँ ऑर्डर में और भी तरीके हैं, और हटाना हो तो हाँ ये चीज़ मैं स्टेटमेंट बोल गया,
इसलिए मैंने अपने रेफरेंस के लिए भी रखा था। बताया हटाना हो तो क्या करोगे, अभी तक तो लगाना ही बताया ना मैंने, तो हटाना हो तो बॉर्डर करो यहाँ पे ऊपर फॉल्स तो क्या बताया था, अगर बॉल किया देन ट्रू किया देन अभी ऊपर जो बताया था ना। हाँ वो तो बॉर्डर इटैलिक्स पर लाइन के लिए। हाँ किसको बॉर्डर हटाना हो तो एक्सेल में। हाँ एक्सेल नन ओके तो यहाँ पे क्या लगता है एक्सेल नन सिर्फ डॉट एक्सेल नन नहीं यार है ना ये शायद होगा कुछ किसी के साथ सीधा सीधा यूज करेंगे एक्सेल नन डालना एक्सेल नॉन एक्सेल नॉन एनो एनी नहीं हां पता एफएफ करना और एफएफ करना सीधा नहीं है ना तो ये स्टेटमेंट शायद डायरेक्टली यूज होगी पूरे स्टेटमेंट के साथ जहां तक मुझे पता है ठीक है हां ये पूरी के साथ यूज होगी ठीक है विद के साथ यूज नहीं होगी तो मतलब इसको नहीं हमने विद के साथ यूज नहीं किया अच्छा लाइन स्टार के साथ डाल दिया ना अच्छा अच्छा अब हमें इसको दोबारा नहीं इसको दोबारा लाइन स्टार के साथ यूज करेंगे ना हां डॉट अच्छा हां सही कह रहे हो स्टाइल गुड लाइन स्टाइल इक्वल्स सारे स्टेटमेंट्स सब कुछ हट गया तो ये मतलब अच्छा वो खाली स्टाइल के लिए हटा है हमने बॉर्डर कहां लगाया था बॉर्डर में जो कुछ किया था सब खत्म मतलब सेल के लिए ना हाँ सेल के लिए अगर हाँ, हमें इस अच्छा बाकी तो ठीक है अंडरलाइन होता है इटैलिक होता है बोर्ड होता है सब छेड़ दिया इसकी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो इसकी फॉर्मेटिंग हटानी हो जो ये इसके लिए सब कुछ नॉर्मल करना पड़ेगा फॉन्ट के लिए ऑटोमेटिक होता है कलर एक ऑटोमेटिक कलर देखना इंटीरियर में जाओ नहीं इंटीरियर नहीं सबको इन सबको वो बना सकते हो अभी फॉर दिस मोमेंट हमें इस पर काम नहीं करना ना बॉर्डर वाले पे अच्छा हम किसमें हाँ दो भी चीज कर देना कहाँ है करनी है यहाँ तक यहाँ पे कर लो कलर क्या करना है फॉन्ट का कुछ नहीं है ना हाँ तो भी मैं चाहता हूँ कलर हट गया ऑटोमेटिक ठीक है हो गया अच्छा ब्लैक हो गया ना ब्लैक ही होता है ना नॉर्मल इटैलिक तो ब्लैक ब्राउन था ना जो पीले ग्रीन वाला ना सी यहां पे कलर क्या किया था हमने ब्लू किया था ना हां ब्लू किया था अब क्या हो गया ब्लैक हो गया वो तो बाय डिफॉल्ट वाला ही है बाय डिफॉल्ट वाला ऑटोमेटिक ओके ओके ठीक है बाकी इटैलिक को हटाना हो तो फॉल्स फॉल्स कर दो तो फिर वही वाला प्रोसेस यूज हो ठीक है क्लियर कट आउट नॉट नाउ हाँ हाँ जी अब क्या करना है अच्छा सेल के अंदर का कलर हटाना हो तो इंटीरियर हाँ इंटीरियर हटाना हो तो उसके लिए ऑटोमेटिक नहीं इसमें ऑटोमेटिक नहीं कलर शायद वाइट डालना नहीं वाइट तो फिर दूसरा आ जाएगा ना बाय डिफॉल्ट अलग डालना है तो नॉन डाल के देखना सिर्फ ना एफर्ट कर लो जाओ ठीक है हाँ कोई इशू नहीं हाँ इसलिए अब उसके बाद एफर्ट से आ जाएगा करो एफर्ट कलर एक्चुअली हमारा बॉर्डर वाला है कौन सा वाला ये वाला जो कलर है इंटीरियर वाला कलर कौन सा ये है यहाँ पे करना पड़ेगा ना ग्रीन ही शो करने के लिए अब एक ना पूरे को स्टॉप करो ताकि हमारा ऊपर पहुंच जाए ना अब एफ आई मारो क्योंकि ऊपर तक जाएगा फिर अब यहाँ पे आ गया अब एफ आई मारो क्या हुआ ब्लैक ही ले लिया उसमें पूरा ब्लैक उठा दिया मतलब नॉन के लिए हमारा हमेशा ब्लैक उठाता हूँ बाय डिफॉल्ट अगर हम वाइट करें तो वाइट तो ही जाएगा वाइट तो है ही यूज कर रहा है नहीं अगर हम वाइट डिफॉल्ट लेना तो डिफॉल्ट हां वो तो ऑलरेडी तो था ना वाइट लेंगे तो वाइट में फिर वाइट कलर वाइट कलर पूरा है
नहीं वाइट कलर वो अलग से इसमें वहां पे शो करेगा नोफिल टाइप करके देखना वहां पे हैं नोफिल फिल में बी अदरवाइज तो वाइट से काम चलाना पड़ेगा करना नो स्पेस ये शोर लेगा ऐड ऑन इवन ऐड ऑन हां नहीं लेना ना कुछ और होगा शायद फॉल्स करके देना कट्रो फॉल्स पे काम करता ही नहीं है हां कलर लेगा नहीं इसमें इसका मतलब है हम एक बार F5 मारेंगे ना F5 के बाद जो काम होना होता है पूरा रन होना होता है ठीक है F5 मार के ये अगर इसे हम कर दे तो F5 वहां तक चलेगा जहां तक हमने ब्रेक किया इसलिए मैंने F5 कर दिया मुझे यहाँ तक तो F5 सेट करा उसके बाद का अपने S5 सेट करा तो सर ने वहाँ ब्रेक कर दिया बोर्ड को ठीक है फिर उसके बाद हमने 1x1 कर दिया ना हाँ वही है ना फिर हमें पूरा बोर्ड 1x1 जाना पड़ता है अच्छा अगर हम ठीक है F5 के वहाँ पे रुक गया ठीक वहाँ पे जाके स्टॉप हो ठीक है कोई डाउट क्लास के लिए इतना होता है यार कॉपी पेस्ट भी बता दो बता दे भाई हाँ इसमें कुछ नहीं कॉपी पेस्ट में दो मेथड है सिंपल है बहुत क्या है देखो ये सारा मैं हटा दूँ या क्लास के लिए बात के लिए चाहिए आई होप बात के लिए चाहिए होगा है ना डेटा तो हम वहीं से उठा लेंगे जैसे मैक्रो रन करेंगे भेजोगे ना वहाँ पे हाँ अरे हाँ वो मैक्रो से मिल ही जाएगा तुम लोगों को डेटा है ना मैक्रो से रन करेंगे डेटा अपना वहाँ पे बिल्कुल मैं शीट चेंज कर ही देता हूँ शीट 5 पे तुम्हारा डेटा है ठीक है ठीक है ये अभी तक का अब हम शीट 1 पे काम कर लेते हैं बाकी शीट्स में डिलीट मार देता हूँ है ना क्या करना है कॉपी और पेस्ट देखो दो तरह से काम होता है इस पर कैसे एक तुम डायरेक्ट इक्वल में रख सकते हो वैल्यूज को और दूसरा कॉपी करो फिर पेस्ट करो देखो ये खत्म हो चुका है यहाँ पे करो शुरू करो नया सब बनाओ नया प्रोग्राम रन करना है कॉपी अंडरस्कोर पेस्ट कॉपी हाँ जी कॉपी अंडरस्कोर पेस्ट एंटर मार दो और नीचे दो चार मार दो ठीक है ये बहुत से लगे अब यहाँ कोई आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखो किसी रेंज में एक रेंज लिख दो अपनी मर्जी से किसी रेंज में टेक्स्ट टाइप करो रेंज पता है कैसे यूज करना है करो रेंज कोई रेंज यूज करो रेंज लिखना है हां देन बनाओ कोई रेंज तुम्हें कहां लिखना है यहां लिखना है यहां लिखना है इस सेल में लिखना है क्योंकि मैंने मेहनत करो मेहनत से आलू मैंने तो कभी कुछ होगा सीधी सी बात जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा हां तो देख लो देखने वाला तो नहीं मिलता करता मानता है ठीक है जब स्कूल है यहाँ से रेंज लिया इसमें और इक्वल्स हाँ पैक जो लिखना है अभी पहले डेटा तो डालो उसमें कॉपी पेस्ट तो तभी करोगे डेटा डालो ना खाली साल को कॉपी पेस्ट करके क्या करेंगे अब तुम्हें करना है कॉपी और पेस्ट पहले डेटा लिख दो क्या करना है ये वाला डेटा उठा के मुझे ले जाना है एच के बाद के लिए है ना एच वाले कॉलम से
तो इसमें हम पहले एच वाला कॉलम बनाते हैं ना, नहीं बनाने क्या है उसकी रेंज, उसकी रेंज लेते हैं ना, मतलब जरूरत क्या है, क्या जरूरत है सही। हाँ अब मुझे क्या करना है, ये वाला डेटा उठा के वहाँ पे डालना है एच वन से लेके, तो मैं मुझे जहाँ पे डालना है पहले तो रेंज इक्वल होनी चाहिए, क्या होगी एच वन से कौन सा है, चार कॉलम है, एच कौन सा है, एच आई के कितने है, हाँ करना है जो ऊपर वाला है, मतलब ऊपर वाली रेंज की वैल्यू जो है वो डालनी है ना मैं इसके अंदर, तो ऊपर वाली रेंज डालो, रेंज डालो या वैल्यू रेंज डालो, डॉट सॉरी अंडरस्कोर गया वो डबल कोट्स गया है, डॉट रेंज में पहले डबल कोट्स गया है डेटा हमारा कौन सी रेंज में है, एच वाली में है ना, तो इसे भी बनाओ कमेंट, डेटा भी हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो डेटा नया टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पे डेटा है मेरा है, कहाँ डालना है, A5 से नहीं डालना, चलो A5 से बना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ना, मुझे यहाँ पे लेके आना, क्या करोगे टाइप करो रेंज, कहाँ से उठाना है डेटा, एच से उठाना है, एच वन से K5 तक का, उसे कॉपी करोगे ना, अच्छा उस रेंज से डेटा कॉपी करोगे, इससे क्या होगा कॉपी होगा, उसको कॉपी करके वहां से उठा के कहां ले जाना है, इसमें पेस्ट हो जाएगा ना, इसमें पेस्ट करेंगे, हां जी, तो पेस्ट, इसमें पेस्ट नहीं होता, पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट ओके ओके, अब इसे रन करो, मार दिया सी आ गया, अब यहां एक चीज दिख रही है तुम्हें, जो हमारी ओरिजिनल रेंज थी वो अभी भी कॉपीड है, टाइप करो इसीलिए नहीं आ रहा था, क्यों, इससे पहले क्या लगना था, एप्लीकेशन, ऐसी चीजें और भी चीजें होती हैं जिनके साथ एप्लीकेशन यूज होता है, पहले एप्लीकेशन जो तुम्हारी वो अप्लाई करेगा ना, हां एप्लीकेशन मतलब जो तुम्हारे प्रोग्राम की होती है, जैसे भी और भी स्क्रीन रिफ्रेशिंग और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बस कॉपी, हां मोड आ गया, कट कॉपी मोड आ गया, हां यही करना है हमें, पेस्ट वाला नहीं, पेस्ट नहीं, कट कॉपी मोड ही है वो, ठीक है, एंड है, हो गया, हट गया, हट गया, लास्ट में क्लियर है, आई होप आज के लिए इतना बोलता है, ठीक है, शूट फॉरवर्ड, हां तो
लास्ट तुम्हारी फ्लावर।